नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज 24x7। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आज से दिल्ली में एकल उपयोग प्लास्टिक नियम उल्लंघन पर लगेगा 1,00,000 का जुर्माना, 5 साल की हो सकती है जेल। राजधानी में सोमवार से प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक के नियम उल्लंघन को लेकर कार्यवाही शुरू होगी। इसके तहत उल्लंघन करने वाली इकाई को बंद किया जाएगा। वहीं 1,00,000 रुपये या 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। दिल्ली सरकार की 48 टीमें अलग अलग इलाकों में औचक निरीक्षण करेंगी। प्लास्टिक को लेकर सरकार ने नियंत्रण कक्ष का भी गठन किया है। यहां प्लास्टिक नियम उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों को दर्ज किया जाएगा। एक अधिकारी के मुताबिक नियंत्रण कक्ष SUPE प्रतिबंध के उल्लंघन से संबंधित सभी शिकायतें प्राप्त करेगा और प्रवर्तन टीमों को कार्यवाही करने का निर्देश देगा। हालांकि DPCC का काम SUPE वस्तुओं के निर्माण पर रोक लगाना है, लेकिन बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें भी नियंत्रण कक्ष को भेजी जा सकती हैं। इसे नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। वहीं उल्लंघन को लेकर शिकायतें दिल्ली सरकार के ग्रीन दिल्ली ऐप या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के SUPE CPCB ऐप के माध्यम से भी दर्ज की जा सकती है। अधिकारी ने कहा कि कानून के प्रावधानों के तहत सोमवार से प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को बंद करना शुरू कर दिया जाएगा। अब किसी प्रकार की कोई और चेतावनी नहीं दी जाएगी। MCD अपने नियमों के अनुसार चूक करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्यवाही करेगी, जबकि राजस्व विभाग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही करेगा। प्रवर्तन अभियान के दौरान जब्त किए गए SUPE आइटम को अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जला दिया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे लैंडफिल या जल निकायों में बाधा उत्पन्न न करें। जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली सरकार राजधानी में इको क्लब के सदस्यों को प्रशिक्षण देगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में करीब 2000 इको क्लब हैं। प्रतिबंधित वस्तुओं में ईयरबड, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ें, झंडे कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, पॉलिस्टाइरीन, थर्माकोल, प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, रैपिंग या पैकेजिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या PVC बैनर 100 माइक्रोन से कम और स्टिरर शामिल है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ABD News 24x7।